हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो लेक्चर BSMT 211 का डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आज की जो यूनिट 4 है उसका जो हमारा हेडिंग है, उसका जो टॉपिक है वो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 4th है। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जिसे हम समघात हिंदी में बोलते हैं। समघात का मतलब आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिनकी पावर्स सेम होती है, हम पावर्स की बात करेंगे। यहाँ मैं समघात इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब मैं बात करूँगी। जैसा कि आप समघात होमोजेनियस का मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं कि जिसकी पावर्स का एडिशन मिला के सेम होता है। यहाँ हम इस तरीके से बात करेंगे, समघात का मतलब यदि d2y/dx² है तो यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, यदि dqy/dx³ है तो यहाँ पर आपके एक्स क्यूब की टर्म होगी। तो इस तरीके से जो मेरे इक्वेशन का फॉर्म आएगा उसे मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगी। अब देखिए इक्वेशन की जो शेप है, इक्वेशन का जो फॉर्म है वो क्या है, xn dn y/dxn। आप देख सकते हैं कि x की पावर n है और डिफरेंशियल का डेरिवेटिव भी n पावर का है। x की पावर n माइनस 1 है, डेरिवेटिव का कोफिशियंट डेरिवेटिव भी dn माइनस 1 का है, अप टू सो ऑन। a1 a2 ये सारे कांस्टेंट है और राइट हैंड साइड मैंने लिखा है qx का मतलब x का कोई भी फंक्शन। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं होमोजीनियस इक्वेशन बोलती हूँ। अब बात आती है इसे सॉल्व करने की। आप लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट मेथड यही अप्लाई करना है कि क्वेश्चन में आपको जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स पुट करना है। जैसे ही आप जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स लिखोगे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो है e^z। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर एक्स dy/dx है तो मैं उसे लिखूंगी dy। या आपको याद रखना है, एज अ फॉर्मूला बोल सकते हैं या इसके टर्म को सॉल्व करने का तरीका है, d2y/dx² को मैं dd-1 के फॉर्म में लिखूंगी, एक्स क्यूब को मैं dd-1 d-2 के फॉर्म में लिखूंगी। यानी अब जो मेरे क्वेश्चन में अगर एक्स क्यूब d3y/dx³ है उसकी जगह मैं ये पुट करूंगी, एक्स dy/dx है मैं डायरेक्ट dy/dx पुट करूंगी, और x²d2y/dx² आया तो मैं dd-1 डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करूंगी। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, एक मेथड समझाती हूँ। आप देखिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x²d2y/dx² -3x dy/dx + 4y। देखिए ये यूनिट चेंज है, क्वेश्चन भी चेंज है, मेथड भी चेंज है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, फोर्थ ए में क्या मेथड है, फोर्थ बी में क्या मेथड है। बोथ द मेथड्स आर डिफरेंट, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए कि क्या ये होमोजीनियस है, यस। x² भी है और d2y/dx है, एक्स है dy/dx है और सिंपल 4y है। सबसे पहले जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी करा है कि हम CF फाइंड करते हैं, तो CF फाइंड करने के लिए मुझे इस एक्सरसाइज में, इस होमोजीनियस मेथड में सबसे पहले क्या करना है, जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स सब्सटीट्यूट करना है जैसा कि मैंने लिखा है। तो इससे मेरे को x की वैल्यू e^z में मिल जाएगी। x dy/dx को जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि x dy/dx को आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, dy, क्योंकि d/dx कैपिटल D है। इसी तरीके से आप लोगों को x² की जगह क्या पुट करना है, dd-1, जैसा कि मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है dd-1y। इन सब वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में, जो कि मेरा क्वेश्चन है, मैं वहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने सब्सटीट्यूट की है वैल्यूज़, x²d2y/dx² की जगह मैंने पुट किया है dd-1, -3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, x dy/dx की जगह आप देख सकते हैं मैंने dy किया और 4y। अब x = e^z है तो x² कितना हो जाएगा, e^2z। देखिए आप मेरी राइट हैंड साइड 2e^2z में कन्वर्ट हो चुकी है, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले ये मेरी इक्वेशन आ गई है,
अब मैं इसको प्रीवियसली जैसे थर्ड एक्सरसाइज में मैंने किया है, मैं उसे उस तरीके से सॉल्व करूँगी। मैं पी आई फाइंड करूँगी, सी एफ फाइंड करूँगी, और पी आई थर्ड ए से लेके हम लोगों ने जी एक्सरसाइज तक जो भी मेथड करे हैं वही हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे। बस जो एक चेंज हमारा इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में आएगा, वो ये है कि हम एक्स स्क्वायर की जगह ए टू द पावर जेड लिखेंगे, और यहाँ पर जेड जहाँ पर भी आएगा मैं लॉग एक्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करूंगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। आप जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी को एम में कन्वर्ट करना। डी स्क्वायर था एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर, ये एम माइनस टू का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि मेरी एम की दो वैल्यू आई है जो कि बिल्कुल सेम आई है। जब वैल्यू सेम आती है तो हमारा सी एफ क्या होता है, सी वन प्लस सी टू। यहाँ पर जेड है, क्यों जेड है, क्योंकि यहाँ पर हमारी इक्वेशन चेंज हो चुकी है, एक्स की जगह ए टू द पावर जेड में हो चुकी है। तो जब हम सी वन प्लस सी टू एक्स लिखते हैं, वहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, सी वन प्लस सी टू जेड, और ई टू द पावर टू जेड, ये होती है मेरी इक्वेशन। अब जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, जैसा कि हमने ऊपर सब्सटीट्यूट किया लॉग एक्स, और ई टू द पावर टू जेड यानी ई टू द पावर एक्स को क्या वैल्यू है, एक्स है, तो ई टू द पावर टू जेड कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। बस ये एक चेंज है आपका इस यूनिट में, इस एक्सरसाइज में, रेस्ट ऑफ मेथड एज इट इज़ है। अब बात आती है पी आई की, अब बात आती है पी आई की। तो आप देखिए पी आई मुझे जो मैंने प्रीवियस मेथड अभी तक आप लोगों को समझाए हैं थर्ड ए से लेके जी तक के, उनमें से ही कोई एक अप्लाई होगा। देखिए वन अपॉन डी माइनस टू, जैसा कि मेरा क्वेश्चन था कि मैं कन्वर्ट करूँगी, आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये वैल्यू आई है m माइनस टू का स्क्वायर, यानी कि मेरा पी आई फाइंड करने के लिए मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, वन अपॉन डी माइनस टू स्क्वायर। अब आप देखिए e की पावर है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे थर्ड एक्सरसाइज में, सी एक्सरसाइज में जब हमने शुरुआत की थी e की पावर की, जब मैंने आपको पी आई सिखाया था कि यदि होल स्क्वायर बन रहा है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ई ए एक्स एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर, जहाँ आर क्या होता है, ये होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है, तो यानी आर हो गया टू, और e की पावर ए एक्स की जगह e टू द पावर टू जेड, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। अब e की पावर टू जेड को एज इट इज़, ये मेरा फार्मूला था एक्स आर यानी एक्स स्क्वायर, तो अब आप देखिए मेरा पी आई किस फॉर्म में आ गया, e टू द पावर टू जेड, एक्स आर को हमने रिप्रेजेंट किया है और r की फैक्टोरियल टू, तो मेरा पी आई फाइंड हो गया। y बराबर सी एफ प्लस पी आई लास्ट सोल्यूशन हमारा होता है। अब क्योंकि जेड स्क्वायर है तो जेड बराबर क्या है मेरा लॉग एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया, इसलिए मेरा पी आई यही आया। पी आई जहाँ हम एक्स की टर्म में निकालते हैं, यहाँ जेड की टर्म में चेंज हो जाएगा, ये एक चेंज है। जहाँ आप प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्स पुट करते थे, यहाँ हम जेड पुट करेंगे और जेड की वैल्यू हमारे पास है लॉग एक्स। मैं आपको सेम ही क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ, सेम मेथड को। आप ध्यान से देखिए कि मेरा राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, जैसा कि मुझे मेथड पता है कि जेड बराबर लॉग एक्स है और एक्स मेरा कितना है ई टू द पावर जेड। आपको सबसे पहले यही स्टेप करना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। पहले चेक करो होमोजीनियस है, एक्स स्क्वायर है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, और फाइव वाई है। हाँ, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। जैसे ही होमोजीनियस हम जानते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी डी माइनस वन वाई, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तुमको ये सब्सटीट्यूट हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने हैं। सब्सटीट्यूट करते ही मेरी इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव। राइट हैंड साइड को मैं जीरो करूँगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए सी एफ फाइंड करना है। मेरी एम की वैल्यू आई रियल और आयोटा में, आयोटा में और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में आई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब रियल और इमेजिनरी पार्ट साथ में आते हैं तो उसका सी एफ कैसे फाइंड होता है, कि जो रियल पार्ट है वो ई की पावर में आता है यानी कि टू, और जो आयोटा का कोफिशियंट है वो साइन और को। यहाँ पर हम एक्स की जगह जेड यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हमने जेड की वैल्यू क्या है, जेड इक्वल्स टू है लॉग एक्स, सब्सटीट्यूट किया, और ई टू द पावर जेड क्या है आपकी एक्स की टर्म में, तो एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा सी एफ। अब मैं फाइंड करूँगी पी पी आई फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, वन अपॉन एफ डी ई टू दी पावर, जो भी हमारा क्वेश्चन था। अब आप लोगों को मैं याद दिलाती हूँ, मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी का पी आई फाइंड करना सिखाया था। ई टू दी पावर ए एक्स यानी ई के साथ में एक्स का कोई फंक्शन है, यहाँ हम एक्स की जगह जेड का फंक्शन देखेंगे क्योंकि हमारा एक्स जेड से सब्सटीट्यूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि साइन जेड है,
तो आप देखिए ई में मेथड क्या था, जहां जहां डी आ रहा डी प्लस ए रखना होता है, डी प्लस ए मतलब ई का जो भी कोफिशियंट है, तो डी प्लस टू ई का कोफिशियंट है, ए यहां पर है मेरा टू क्योंकि ई की पावर टू जेड है, तो टू, तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस टू प्लस फाइव। सिंप्लीफाई करेंगे आप ये एक्सरसाइज थर्ड में, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके, प्रीवियस जो भी मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया उसमें जाके देखिएगा, ये मेथड आपको याद आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया डी स्क्वायर प्लस वन आया, सब कैंसिल आउट हो गए। यहाँ अब आपके पास है साइन जेड, साइन जेड है जैसा कि, तो आपको मैंने प्रीवियस साइन जेड वाला जब फॉर्मूला बताया था आपको, एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर ए है मेरा वन। फॉर्मूला जब मैंने अप्लाई किया तो फॉर्मूला जब अप्लाई करती है मेरा आंसर क्या है, ई टू द पावर टू जेड माइनस ई टू द पावर टू जेड जेड अपॉन टू कॉस जेड, ठीक है ये मेरा फॉर्मूला आया। अब जहाँ मेरा जेड आ रहा है मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया लॉग एक्स से, और जहाँ सिंपल ई टू द पावर टू जेड आ रहा था उसको एक्स से सब्सटीट्यूट किया, ये वैल्यूज आ गई। सी एफ और पी आई को ऐड करना है लास्ट आप जानते हैं। तो इस यूनिट में, इस फोर्थ ए में आपको दो ही चीज़ें मेन याद रखनी है, बाकी पूरा थर्ड चैप्टर प्रीवियस चैप्टर की तरह ही है। आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है वो आप लोगों को क्या याद रखनी है कि आपको एक तो सब्सटीट्यूट करना है ए की जगह जेड की जगह लॉग एक्स, तो एक्स आपको आ जाएगा ई टू द पावर जेड, बस ये दो ही मेन चीज़ें हैं और आपको ये टर्म रिमेंबर रखनी है। जैसे ही आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे ये वैल्यूज सिंप्लीफाई, जैसा कि थर्ड चैप्टर में हम पीआई करते हैं वैसे सॉल्व होगा। थैंक यू, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो।